सच साहस सरोकार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज 11 जिलों में मतदान हो रहा है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इस चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और क्या असर डालेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष बिमलेश मिश्रा जी। बिमलेश जी, क्या जानते हैं कि जिस तरह से चुनाव में कहा जा रहा है सारे जो दल है हिंदुत्व की हिमायती बन रहे हैं, कहाँ तक महत्वपूर्ण होगा ये मुद्दा? देखिए, ये मुद्दा जो बाकी दल हैं उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे कि हमारे फर्रुखाबाद की बात की जाए, अभी परसों हमने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पूर्व सांसद रहे हैं मुन्नू बाबू जी हैं, उन्होंने गाय के ऊपर एक बात बोली है कि गायों को कटर से काट दिया जाए। तो ऐसे सफाई लोग और अदर के जो लोग हैं इस टाइप से बोलेंगे तो हिंदुत्व उनको कैसे सपोर्ट करेगा? कभी नहीं करेगा और नकारेगा। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी की सराहना की जाती है। हिंदुत्व की अगर बात की जाए तो मानिए योगी जी से अच्छा बेहतर कोई नहीं है। बनने के ढोंग बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन बन के दिखाएं, फिर हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव जी मूर्ति लगवाते हैं, परशुराम की बात करते हैं, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, अखिलेश जी ने इससे पहले कभी ब्राह्मण की मूर्ति लगवाने की, परशुराम जी की मूर्ति लगवाने की बात नहीं की। मैं उनसे कहता हूँ मेरे फर्रुखाबाद में फुब्बारे पे अगर मूर्ति वहां लगवा दें, वो श्री राम जी की मूर्ति लगवा दें, मैं हिंदुत्व के लिए फर्रुखाबाद से क्या उत्तर प्रदेश में उनके लिए वोट मांगूंगा और हमेशा उनका समर्थन करता रहूंगा। अगर उनमें दम है तो मूर्ति लगवा के दिखवा दें। मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि वो फर्रुखाबाद में कहीं पे भी जहां उनको अच्छी जगह मिले वहां मूर्ति लगवा दें हिंदुत्व की, किसी की भी, देवता की किसी की भी। हिंदू संगठन बोल रहे हैं कि सरकार आई, सरकार को हिंदुओं ने पूरा सपोर्ट किया और सरकार लगातार हिंदुओं के लिए काम करती रही, पर कहीं ना कहीं उपेक्षा भी हुई है, क्या मानते किस तरह की उपेक्षा यहाँ पर की गई? देखिए, मेरी नजर में हिंदुत्व की उपेक्षा कहीं भी नहीं की गई। हिंदुत्व को जब भी जरूरत पड़ी माननीय योगी जी की या उनकी सरकार की, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की पूरा साथ दिया है योगी जी ने और उनके जो भी मंत्री रहे हैं। और कभी ना कभी भूल तो कभी ना कभी थोड़ी मोटी सबसे हो जाती है, योगी जी से भी हो गई होगी, तो वो छोटा सा मुद्दा है, वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर हिंदुत्व की बात की जाए, योगी जी से अच्छा वर्तमान के समय में कोई नहीं है। अगर कोई बनता है तो हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं और पूरी हिंदू महासभा हमारी साथ देगी। हिंदू महासभा महत्वपूर्ण योगदान रखती है चुनाव में भी और साथ साथ राजनीति में भी, क्या मानते हैं आप युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं और हिंदुत्व के प्रसार के में अपना योगदान देते हैं? देखिए, मैं फर्रुखाबाद की बात करता हूँ क्योंकि मैं फर्रुखाबाद में ही रहता हूँ, जनपद में सारे कार्य करते हैं, बाकी कहीं जाना होता वो तो करते ही हैं। जनपद में मेरा सबसे बड़ा मोटो रहता है कि हिंदुत्व पे अगर कोई बात होती है, सर्वप्रथम हिंदू महासभा एक ऐसा हमारा संगठन है, सबसे पहले पहुंचता है और हिंदुत्व की बात करता है। मुद्दा गाय का आता है तो सबसे पहले हमारा एक गाय का संगठन है जो हिंदू महासभा से ही बिलोंग करता है, गौ सेवा करते हैं हम लोग, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, अपना पेट्रोल खर्च करते हैं, आज तक 2 रुपए किसी से नहीं लिया और लेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं सेवा करता हूँ और निरंतर सेवा करते रहेंगे। हिंदुत्व के जितने भी मुद्दे होते हैं हिंदू महासभा उनको उठाती है और ऊपर तक ले जाती है, उनको जीतने की कोशिश करती है। हमारा कोई भी हिंदू प्रताड़ित किया जाता है तो हिंदू महासभा सर्वप्रथम पहुंचती है। उसी के सहयोग से आज जनपद में हिंदू महासभा की बहुत बड़ी टीम है। हिंदुत्व का कोई भी कार्य होता है, हिंदू महासभा मेरी नजर में कम से कम 8-10 हजार वोटों का यहाँ फर्रुखाबाद में इधर उलट-पुलट करने की ताकत रखती है और करती भी है। जिस तरह से हिंदू महासभा की आप बात कर रहे हैं, कब इससे जुड़े हो, कब इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है कि आदमी किसी संगठन में जुड़ता है, किस तरह की प्रेरणा आपको मिली? जी, मैं लगभग 5 साल हो गए हैं मैं हिंदू महासभा से जुड़े हुए और मेरे घर में, मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, मेरे यार मित्रों ने जो मुझे प्रेरणा मिली थी कि हिंदुत्व की बात करना है। हिंदुत्व का मतलब यही नहीं होता कि मुसलमान से मेरी सीधी लड़ाई है, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व का मतलब ये भी होता है कि मुझे अच्छे कार्य ही करना है, गलत रास्ता पे नहीं जाना है, गलत कुसंगति जिसको कहते हैं कुसंगति पे नहीं जाना है, मुझे एक अच्छे आचरण अपने अंदर लाने हैं और जो भी मेरे भाई हों जिन लोगों के साथ मुझे रहना है अच्छे आचरणों में उनको भी ढालना है। हिंदुत्व ये भी कहता है, हिंदुत्व हमें एक प्रेरणा देता है कि हिंदुत्व के रास्ते पर अगर चलेंगे तो आप कभी भी ठुकराए नहीं जाएंगे, आप कहीं हारेंगे नहीं और एक अच्छी मंजिल तक पहुंचेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। आप क्या मानते हैं, जिस तरह हिंदू महासभा की आप बात करते हैं, हिंदू महासभा है एक समाज सेवी के रूप में आप पहचान बनाई, किस तरह के समाज सेवा क्या आपके द्वारा किए गए? देखिए, मैं हिंदू महासभा के साथ साथ में एक असहाय गरीब सेवा संस्थान भी चलाता हूँ जिसका मैं ही अध्यक्ष हूँ और हमारी एक टीम भी है और निरंतर ये कोई काम दिखाने का नहीं है, मैं दिखाता नहीं हूँ। इसके लिए जो भी गरीब होता है, जिसकी भी मदद जैसे भी कर सकते हैं, किसी को धन की जरूरत होती है
अगर धन दे सकते हैं तो देते हैं, खाने की जरूरत है। अभी कोरोना काल में यहाँ के जो मीडिया के भाई लोग हैं उन्होंने देखा और छापा भी, बहुत अच्छा कार्य किया। जागरूक करने की मैंने कोशिश की, जिसको जहाँ जरूरत पड़ी, धन की जरूरत पड़ी धन दिया, खाने की जरूरत पड़ी खाना दिया। निरंतर एक साल, पिछली साल हमें लगता 3 से 4 महीने लॉकडाउन रहा था लगातार, मैंने लगातार जो सहयोग कर सकते थे अपने लोगों के साथ में पूरा सहयोग किया। वही एक हमारी एक सेवा है, उसी के बलबूते पे आज हम इस ताकत के साथ खड़े हैं और आप सभी का सहयोग मिलता है। हर एक इंसान की एक लक्ष्य होता है, आपका लक्ष्य क्या है, क्या मानते हैं आपको, क्या किस जगह पे पहुंचना है और किस तरह से काम करना है? देखिए, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य केवल हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, हमारे जितने भाई हैं उनके साथ में रह के ही कार्य करना है। मेरा लक्ष्य ना कोई विधायक बनने का है, ना मेरा कोई ऐसा लक्ष्य है कि हम कहीं आगे जाएंगे, मेरा लक्ष्य केवल यहाँ के भाइयों को जागरूक करना है और वो निरंतर करते रहेंगे किसी भी हाल में किसी भी ताकत से। मैं हिंदुत्व को आगे बढ़ाता रहूँगा, उसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बानी करनी पड़े वो भी करूँगा, कुछ भी करना पड़े, कोई भी बलिदान हो मैं करूँगा। मीडिया सशक्त माध्यम अपनी बात करने का, मीडिया के माध्यम से यहाँ की जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ की जनता से कहना चाहते हैं कि आपका अपना वोट है, आपका अपना मत है, मेरी अपनी राय है कि आप हिंदुत्व के लिए किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो हिंदुत्व की बात करता हो, जो आपके नज़र में उसके आचरण अच्छे हों, जो फरुखाबाद में काम करता हो, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उसी को बनाए जो हिंदुत्व की बात करे। कम से कम दंगे फसाद जो अन्य सरकारों में होते रहे वो दंगे फसाद ना हो, तो ऐसी एक सरकार चुने जो दंगे ना हो, हम लोग अमन चैन की जो जिंदगी जी रहे थे वो जीते रहे निरंतर। मेरी यही आप लोगों के माध्यम से कहने का मतलब है कि एक ऐसी सरकार चुने जो हमको शांति दे। जब हम जिंदा होंगे तभी तो हम आगे कार्य करेंगे ना। जब हम गुंडों के बीच में आके, जो हमारी बहन बेटियों के साथ होता था पहले कि वो अगर निकलती थी रोड पे उनका दुपट्टा खींच लिया या उनको पकड़ लिया, ये सारे काम खत्म, जो सरकार खत्म करती है। आप लोगों के माध्यम से उस जनता से कहना चाहते हैं, उन भाइयों से कहना चाहते हैं, ऐसी सरकार चुने जो इस काम को ना करे, एक अच्छी सरकार चुने। हमारे साथ बिमलेश मिश्रा जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा का। उनका कहना है कि जिस तरह से आज चुनाव हो रहा है, जो वोटर हैं उनको अपने वोट का महत्व समझना चाहिए, जिम्मेदारी से वोट करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाना चाहिए, ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो शांति से काम करे और देश के प्रदेश के हर नागरिक के हित में काम करे, बेहतर प्रयास करते रहे। साथ ही साथ हिंदुत्व की बात पर उन्होंने कहा है कि वो लगातार हिंदुत्व के प्रसार में लगे हुए हैं और उनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, वो केवल ही चाहते हैं कि हमारे हिंदुत्व का प्रसार हो और अगर कोई भी समस्या होती है किसी भी हिंदुत्व के लिए तो लगातार खड़े रहते हैं, हमेशा काम करते नजर आते हैं और समाज सेवा ही उनका उद्देश्य है। इसके अलावा उनका कोई लक्ष्य नहीं है, वो केवल हिंदुत्व हिंदू महासभा के माध्यम से केवल हिंदू का प्रसार करना चाहते हैं और आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। कैमरा शुभम के साथ गौरव श्रीवास्तव, फरुखाबाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।